नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं एनआर कंप्यूटर वर्ल्ड्स में। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी से कहा था कि मैं एक नई वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको सारी कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे कीबोर्ड में 6 टाइप के कीज होते हैं, जिनको मैं एक एक करके मैंने आपको समझाया भी था कि कौन कौन से की कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं उन 6 में से स्पेशल कीज को। दोस्तों, अगर मैं सारी कीज को एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने आपको 6 टाइप्स के जो की बताए थे उनको मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ हर एक वीडियो में। तो अब इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको स्पेशल की ही बताऊंगा, उसके बाद फिर फंक्शन की बताने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों स्कैप। स्कैप का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू रिमूव द अनवांटेड मैसेज। किसी भी अनवांटेड मैसेज को हटाने के लिए हम स्कैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टैब। टैब का यूज क्या होता है? हम किसी भी लंबे स्पेस को देने के लिए टैब का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट आपको कोई भी एक सेंटेंस लिखना है जिसके बीच में आपको थोड़ी दूरी बना के रखनी है, तो आप क्या करते हैं, स्पेस बार दबाते हैं। स्पेस बार से क्या होता है, थोड़ा सा गैप हमारा आता है। बट अगर हम वहीं पर टैब का यूज करते हैं स्पेस की जगह, तो टैब से हमें क्या होता है, थोड़ा लंबा स्पेस मिलता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा कैप्स लॉक। इट यूज टू चेंज द केस अपर टू लोअर, लोअर टू अपर। चेंज केस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा अल्फाबेट से है कि अगर आप स्मॉल को कैपिटल में करना चाहते हो और कैपिटल को स्मॉल में करना चाहते हो, तो हम कैप्स लॉक अगर आप ऑन करके लिखोगे तो वो जो भी आप लिखोगे वो कैप्स लॉक से अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे कि आप कैप्स लॉक ऑन कर रखा और आप लिखते हो, तो जो भी हमारे लेटर्स आएंगे वो कैपिटल लिखे हुए आएंगे, ठीक है। अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ करके लिखते हो तो जो हमारे वर्ड्स आएंगे वो क्या आएंगे, स्मॉल लेटर्स में आएंगे। उसके बाद आता है शिफ्ट। तो शिफ्ट का यहाँ पे डेफिनेशन दे रहा है, इट यूज टू मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब क्या है दोस्तों, कि इसका कोई एक यूज नहीं है, इसके बहुत सारे यूज है, जिसमें से मैंने एक दो आपको एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। जैसे कि किसी भी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए अगर हम शिफ्ट प्रेस करके किसी भी एरो की को अगर प्रेस करते हैं, तो हमारी वो उधर ही की लाइन को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल। इट यूज टू शॉर्टकट कीज। ये हमारा शॉर्टकट कीज के लिए यूज किया जाता है, जो कि मैं आपको ए से लेकर जेड तक की शॉर्टकट कीज बताऊंगा, उस पर मैं आपको कंट्रोल का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा विंडो की। विंडो की का यूज क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। स्टार्ट मेन्यू से क्या मतलब है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम अगर खोलते हो तो वो हमारा स्टार्ट मेन्यू में ही आता है। जैसे कि आपको एमएस वर्ड खोलना, तो आप एमएस वर्ड कैसे खोलते हो, एक तरीका तो ये है कि आप विंडो आर करके उसमें विन वर्ड लिखो और एंटर प्रेस कर दो। बट ये कब करोगे आप, जब आपको शॉर्टकट कीज आते हैं। बट अभी क्या कर रहे हो आप, अभी बिगनिंग में हो, तो बिगनिंग में क्या करेंगे, हम स्टार्ट बटन को ओपन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे ओपन करने के बाद यहाँ पे एमएस वर्ड में जाएंगे, सॉरी एमएस ऑफिस में जाएंगे, और एमएस ऑफिस में से हम सिलेक्ट करेंगे एमएस वर्ड को और उस पर क्लिक कर देंगे, नॉर्मली हमारा एमएस वर्ड खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अल्ट की। अल्ट की हमारे दो होते हैं यहाँ पे, और विंडो की भी दो होते हैं, यूज सबका एक ही होता है दोस्तों। तो उसके बाद आता है अल्ट। अल्ट का यूज क्या होता है, इट यूज टू एक्टिव द मेन्यू बार। मेन्यू बार को एक्टिव करने के लिए हम अल्ट का यूज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको साथ के साथ सारी चीजें। तो जैसे कि अगर मैं अल्ट एक बार प्रेस करता हूँ तो मेरा मेन्यू बार एक्टिव हो गया, अगर मैं दोबारा से अल्ट को प्रेस करता हूँ तो वो मेरा डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेस बार। इट इज यूज टू गिव द स्पेस, ब्लैंक स्पेस। किसी भी चीज के बीच में खाली स्थान छोड़ने के लिए हम स्पेस बार का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा माउस की। माउस की का यूज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको माउस है, आप अभी आप माउस यूज करते हो, तो माउस यूज करने में आप क्या करते हो, जैसे राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक किया तो वहां पे एक मेन्यू खुल के आती है, माउस मेन्यू। अगर वही माउस मेन्यू आपको विदाउट माउस के खोलनी है, तो आप माउस की का यूज करके उसको ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद आता है एंटर की। एंटर की का यूज क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ को तोड़ने के लिए हम एंटर की का यूज करते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, इट इज यूज टू ब्रेक द पैराग्राफ। पैराग्राफ को तोड़ने के लिए हम एंटर का यूज करते हैं। सपोज दैट आप कोई भी एक लाइन लिख रहे हो, ठीक है। अब आप चाहते हो ये लाइन, अभी एक लाइन लिखते जा रहे हो तो ये लाइन पूरी आगे तक जा रही है, जहां तक कि हमारा इंडेंट सेटिंग है। अब आप चाहते हो कि ये लाइन बीच में से टूट के नीचे आ जाए, तो आप आधी लाइन लिखोगे और एंटर प्रेस करोगे, वो वहीं से लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज होता है, इट यूज टू डिलीट फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। सपोज दैट आपने लिखा राम, अब मैं यहाँ पे राम लिख रहा हूँ, तो राम की जगह मेरे से क्या हो गया, रामा लिख गया। अब रामा लिख गया तो मैं क्या करूंगा, उसमें से ए को मेरे को डिलीट करना है, तो मैं बैक स्पेस का यूज करूंगा। बैक स्पेस से जैसे मैं एक बार प्रेस करूंगा बैक स्पेस को, तो उसमें से एक ए हट जाएगा, बाकी का मेरा राम लिखा हुआ रह जाएगा, ओके। उसके बाद आता है डिलीट।
डिलीट का यूज सेम बैक स्पेस की तरह होता है दोस्तों, बट इसका यूज कैसे करते हैं, सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। डिलीट का यूज हम सीधी सीधी भाषा में ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि डिलीट का यूज होता है जैसे कि आपने कोई भी वर्ड्स लिख रखे हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट करो और डिलीट बटन प्रेस कर दो, वो नॉर्मली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है होम की। होम की का यूज क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप कोई भी एक लाइन लिख रहे हो, अब उस लाइन का आपको लास्ट से लेके शुरू में जाना है। अब आप लाइन लिख रहे हो तो लाइन लिखते लिखते क्या हुआ, आप लाइन के एंड में हो, आप चाहते हो कि उस लाइन के शुरू में आप आ जाओ, तो क्या करोगे आप, होम की जैसे आप प्रेस करोगे आप लाइन के शुरू में आ जाओगे। तो दोस्तों उसी तरह हमारा एंड होता है, एंड का यूज इसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या है, जैसे कि आप होम से क्या हो रहा था, लाइन के शुरू में जा रहे थे, बट एंड से क्या होगा, आप लाइन के एंड में आ जाओगे। जैसे आप एंड का बटन प्रेस करोगे आप लाइन के एंड में आ जाओगे। उसके बाद है दोस्तों हमारा नंबर लॉक। नंबर लॉक का यूज यही होता है नॉर्मली कि जो हमारी न्यूमेरिकल कीज होती हैं उनको एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का यूज क्या होता है कि आप किसी भी डेस्कटॉप की एक स्क्रीनशॉट लेके अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप नॉर्मली प्रिंट स्क्रीन बटन को यूज करोगे और उसका एक बार प्रेस करोगे। उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों कि वर्ड एमएस वर्ड में आना, वहां पे माउस का आपको यूज करना है, या फिर आप माउस की का भी यूज कर सकते हो। जैसे आप माउस की को प्रेस करोगे वहां पे एक मेन्यू खुल के आएगी और उसमें लिखा होगा पेस्ट, आपको पेस्ट पे क्लिक करना। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे वो स्क्रीनशॉट आपके एमएस वर्ड के होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इंसर्ट। इंसर्ट का क्या यूज होता है, जैसे कि आप कोई भी आपने एक वर्क किया, ठीक है, अब आपको एक लाइन लिखी आपने, राम इज ए गुड बॉय, अब इसी लाइन की जगह आप चाहते हो कि ये लाइन मैं डिलीट भी ना करूं और इसकी जगह पे एक अलग लाइन ही आ जाए, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इंसर्ट का यूज करोगे। जैसे कि आपने राम इज ए गुड बॉय लिख दिया और उसके होम पेज होम बटन दबा के आप उसके लाइन के शुरू में आ जाओगे, और आप एक बार आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मली एक बार इंसर्ट बटन को प्रेस करना है और उसके बाद लिखते जाना है। तो जैसे आप लिखोगे आगे वाला अपने आप ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा और पीछे वाला लिखता जाएगा, ठीक है। अगर लाइन के होम में जाके आप बिना इंसर्ट के कोई भी वर्ड लिखते हो तो क्या होगा दोस्तों, आगे वाला आगे खिसकता जाएगा और पीछे नया लिखता जाएगा, बट अगर आप इंसर्ट प्रेस करके लिख रहे हो तो क्या होगा, आगे वाला रिमूव होता जाएगा और पीछे से लिखता जाएगा। उसके बाद है दोस्तों पेज अप। पेज अप का यूज क्या होता है कि हम जब कोई भी पेज पे काम करते हैं तो वो पेज पूरा भर जाता है, नीचे तक आ जाता है, तो उसका जो स्क्रॉल होता है, ये आप साइड में देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये जो स्क्रॉल लॉक होता है, ये सॉरी स्क्रॉल होता है, ये ऊपर नीचे होता है, तो आपको अगर बिना माउस के ऊपर नीचे करना है तो आप क्या करोगे, होम पेज अप और पेज डाउन का यूज करोगे, जिससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो पेज है वो ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, ठीक। आप अगर चाहते हो पेज को ऊपर करना है तो पेज अप प्रेस करना है, अगर पेज को नीचे करना है पेज डाउन प्रेस करना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों एरो कीज पे। एरो की हमारी चार होती हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट। देखो अगर आप कोई भी एक वर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई एक पैराग्राफ लिखा, अब आपको ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट जाना है तो आप क्या करोगे, माउस को यूज करते हो, बट आपको क्या सीखना दोस्तों, बिना माउस के कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखना है। तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बोला था, अगर आप कीबोर्ड सीखोगे तो कीबोर्ड से ही आप विदाउट माउस के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो, तो उसी के लिए जैसे कि आपको एरो की का यूज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपको पैराग्राफ में ऊपर जाना है तो आपको क्या करना, नॉर्मली अप जो अप एरो की है उसको प्रेस करना, जैसे जैसे आप उसको प्रेस करते जाओगे दोस्तों तो आप क्या करोगे, उसमें ऊपर आते जाओगे। अगर आप एरो की डाउन वाली यूज करोगे तो डाउन में आते जाओगे, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट आओगे, राइट करोगे तो राइट आओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं बताने वाला हूँ आपको, और जो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो फंक्शन कीज के ऊपर होगा, जो F1 से लेके F12 तक की होती है उनको मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ कि उनका यूज क्या होता है, बाकायदा एकदम नॉर्मली एग्जांपल देके ही मैं आपको बताऊंगा, कोई मेरे को जल्दी नहीं है और ना ही मैं कोई लंबी वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर मैं दोस्तों लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दोगे, कि अगर मैं एक एक घंटे की वीडियो बनाने लगा तो आप भी उनको सही से नहीं देखोगे। अगर मैं जितना छोटा वीडियो बनाऊंगा उतना ही अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा रहेगा, मुझे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप भी आराम से देख के उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको, नोट्स साथ के साथ बनाते चलना, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें।